A Roadside Stand by Robert Frost for class 12 A Roadside Stand summary deals with the lives of poor deprived people Furthermore the poet contrasts the struggling lives of the countryside people with the insensitive life of the city dwellers The city dwellers don't even bother to ponder on the harsh condition of the roadside stand people यहाँ पर गांव के लोगों की पुअर कंडीशन के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि जो सिटी ड्वेलर्स हैं जो सिटी में रहने वाले लोग हैं दे आर सो वेरी इनसेंसिटिव टू द कंट्री साइड पीपल है यू कैन सी द एरो पार्ट इज द इज टेकन फ्राम द पोएम एंड द स्टार पार्ट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेद द ट्रैफिक स्पेड एक छोटा सा घर था जिसके बाहर छोटा सा शेड निकाला था रोड साइड पर था जहाँ से ट्रैफिक तेजी से जाता था द लिटिल न्यू शेड इज बिल्ट इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वे ट्रैफिक पास बाय इट हैज़ बिन पुट अप टू सेल थिंग्स एंड अर्न अ लिटिल मनी अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड हेयर द वर्ड पैथेटिक इज़ यूज टू शो द मिजरेबल लिविंग कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड ओनर्स वो लोग इतने गरीब थे इतने मिजरेबल थे इतने हेल्पलेस थे उनको शो करने के लिए पैथेटिक वर्ड यूज़ किया गया है एंड प्लेड प्लेड मीन्स रिक्वेस्टेड सो दे रिक्वेस्टेड डेस्परेटली बट नॉट फॉर द ब्रेड ब्रेड नहीं मांग रहे थे वो नाउ इन दिस लाइन दैट इज़ लाइन थ्री ऑफ द पोएम पर सोनिफिकेसन इज यूज द शेड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज इट इज पैथिटिकली प्लेडिंग दैड इन इट सेल्फ इज रिक्वेस्टिंग द सिटी ड्वेलर्स टू स्टॉप बाय बट फॉर सम ऑफ द मनी नॉट फॉर द डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज़ फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट ये जो पैसा है दैट मेक्स यू पावरफुल यहाँ पर देखो सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट मीन्स बींग डिकेड खराब होना स्पॉइल होना धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना खत्म होते जाना हाउ एवर द पोएट क्लियर्स दैट इट डज नॉट प्लेड फॉर ब्रेड अभी अभी मैंने बताया बट फॉर सम एडिशनल इनकम दैट इज सम मनी और सम कैश नाउ द क्वेश्चन इज वाई मनी इट इज़ बिकॉज मनी सपोर्ट्स द सिटी फोक्स एंड देर ग्लिमिंग लाइफ स्टाइल

रुकते नहीं हैं इफ़ बाई चांस दे स्टॉप अगर रुक जाते हैं गलती से बाई चांस दे इजीली गेट गेट अपसेट आउट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स दे गेट अपसेट एंड लूज पेशेंस किस लिए एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्नस रॉन्ग विद एस टर्न वाई डू दे गेट अपसेट बिकॉज द बिल्डिंग वॉज पेंटेड क्लमजली दे फेल्टैट द हार्टलेस पेंट हैज स्पॉइल्ड द लैंडस्केप उन्होंने जो अपने स्टैंड पर पेंट किया था दैट वॉज सो क्लमजी सो शैबी सो अनटाइडी कि वो वहाँ के लैंडस्केप की ब्यूटी को ख़त्म कर रहा था स्पॉइल कर रहा था दैट मेड देम अंडरस्टैंड द रोंग मीनिंग ऑफ एन एंड एस दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफर्ड फॉर सेल ये जो स्टैंड थे देवर ऑफरिंग समथिंग फॉर सेल Catchies, wild berries in wooden quarts Or crook-necked golden squash with silver warts The farmer offered wild berries Kept in antique-looking jars The freshly extracted juice Kept in not-so-enticing containers Unke jo containers the they were not so beautiful But the things they were selling were really good Or beauty rests in a beautiful mountain scene You have the money but if you want to be mean वाई कीप योर मनी दिस क्रॉस ली एंड गो अलोंग ये जो कंट्री साइड पीपल है नाउ दे आर गेटिंग एंग्री दे आर गेटिंग अपसेट क्योंकि द सिटी फॉक्स पासिंग पास द हम्बल काउंटर लुकड जॉयफुली एट द रॉक्स एंड फेल्टेड बिलो दियर स्टेटस टू स्टॉप ओवर टू बाई फ्राम द रोड साइड स्टैंड उनको लगता है ये बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं यहाँ से हम नहीं खरीद सकते द फार्मर गेट्स एंग्री एंड टेल्स द रिच टू कीप दियर मनी इफ दे आर मैंट टू बी सो क्रूअल एंड मीन ही फील्स दैट द वेल्थ हैड मेड देम ब्लाइंड टू सच हम्बल एंड प्राइसलेस ऑफरिंग्स वो इतना अच्छा सामान बेच रहे हैं लेकिन नो बडी केयर्स फॉर देम द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड

ज मैनेज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी टू द फार्मर्स उसको ऐसा लगता है कि जो पीपल इन पार है, है यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उस पैसे को सिटी से विलेज में आने के लिए रोक रखा है इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुलन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन न्यूज़ में है आज कल एक बात यहाँ पर देखो पिटिफुल स्किन मीन्स पुअर फार्मर्स इट इज़ इन द न्यूज़ दैट सून जल्दी ही ऑल दीज शेड्स एंड हट्स विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट खरीद लेगी इनके सारे शेड्स एंड दीज पीपल विल बी रीलोकेटेड मर्सीफुली इन लोगों को रीलोकेट कर दिया जाएगा कहाँ पर टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व एनी मोर ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ दे डोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व एनी मोर यानी कि चीज़ें उनको अवेलेबल होंगी they will be relocated in the villages and near their houses. there will be movie theater and grocery stores. they will be so happy there that they will not worry about their future. while greedy good doers beneficent beasts of prey sworn, swarm over their lives enforcing benefits. the poet says greedy good doers and beneficent beasts or people in power. कहते तो अच्छी बातें हैं लेकिन करते अच्छी बातें नहीं है हु शो दैट दे आर हेल्पिंग द पुअर शेड ओनर्स बट इन रियलिटी नथिंग लाइक दैट इज डन एक्चुअली दे आर एनसर्कलिंग देयर लाइव्स एंड फोर्सफुली गिविंग दैम सच बेनिफिट्स टू मेक सम प्रॉफिट फॉर देम सेल्व इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉफिट टू द पुअर पीपल ऑफ विलेजिस दे आर मेकिंग प्रॉफिट फॉर देम सेल्व्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स and by teaching them how to sleep they sleep all day destroy their sleeping at night the ancient way देखो यहां पर out of their wits means they are perplexed or terrified state वो लोग confused हैं डरे हुए हैं घबराए हुए हैं टेरिफाइड हैं इट मींस दोस पीपल हैव मेड प्लान्स टू पुट अप दिस पीपल इन अ कन्फ्यूजन जो अमीर लोग हैं उन्होंने इनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है दे कैन नॉट डिसाइड वॉट इज़ गुड फॉर देम एंड वॉट इज़ हार्मफुल दी सेल्फिश पीपल टेल द पुअर टू रिलैक्स बट इन रियलिटी दे दैम सेल्व स्लीप ऑल डे लॉन्ग उनको कहते हैं रिलैक्स करो बट खुद आराम करते हैं ऑल्सो दे डिस्ट्रॉय देर स्लीप एट नाइट टू एज हैज़ बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट हमेशा से ये होते आए हैं कि प्रामिसज किए जाते हैं और वो प्रामिसज पूरे नहीं होते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थाट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन पोइट ये कहता है कि ही फील्स दैट दिस किडिश डिज़ायर कि कोई आए गाड़ी रुके उनसे चीज़ें खरीदे दैट इज़ ही कॉल्स इट अ किडिश डिज़ायर इन द हार्ट ऑफ दीज शेड ओनर्स इज़ यूजलेस ये हमारी बेकार है ये वाली इच्छा इन वेन मीन्स बेकार विदाउट सक्सेस और अ रिज़ल्ट You can note down in the in your notebooks the sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open prayer जो उनकी विंडो है ओपन विंडो जहाँ पर सामान रखा हुआ है दैट टू इज सैड वहाँ पर सैडनेस प्रिवेलिंग है ही कैनॉट टॉलरेट देअर हिडन सैडनेस विच दे गो थ्रू वेन दे ओपन द विंडो ऑफ द शेड जब वो उस विंडो को खोलते हैं तो दे फील सैड not happy not excited for the squeals of brakes the sound of a stopping car of all the thousand selfish cars that pass wahan se bahut sari cars nikalti hain lekin nobody thinks of stopping over there they wait for the sound of brakes ki koi brake lagaye and of stopping cars that are actually selfish उसको लगता है कि जो selfish लोग गाड़ियों में बैठे हैं वो आए brake लगाएं लेकिन गाड़ी रोकें लेकिन कोई रोकता ही नहीं है because the farmers wait for them बट द काज डू नॉट स्टॉप अब क्या है कि वैसे तो गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं लेकिन एक रुकती है जस्ट वन टू इंक्वायर वॉटर फार्मर्स प्राइसेस आर किस लिए रुकती है प्राइस पता करने के कितने का बेच रहे हो एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास और एक आती है बड़ी तेज़ी से आती है और चली जाती है जैसे कि बस आस पास की घास हिल जाती है प्लो हो जाती है द फार्मर्स बिकम सैड बिकॉज दे स्टॉप

एंड एन अदर टू आस्क कुड दे सेल इट अगैलन ऑफ गैस दे कुडेंट दिस क्रॉसली दे नन डिडेंट इट सी कुछ लोग आते हैं पूछते क्या तुम्हारे तो पास गैस है यानी पेट्रोल क्या बेच रहे हो तुम लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल तो बहुत पेट्रोल पंप पर बिकता है इतनी छोटी दुकानों पर पेट्रोल नहीं बिकता है द सम कार स्टॉप बाइज टू बाई फ्यूल फॉर देअर कार्स

इससे उनकी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी इससे उनका स्टैंडर्ड कोई रेज नहीं होगा क्योंकि द रिसोर्सेज आर टू लेस टू हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कॉन्ट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम

The next day, the poet thinks that when he is realistic, जब वो सही तरीके से सोचता है, realistic होकर सोचता है, then he expects the rich to visit and help them get rid of their problem in one go. Perhaps with death. वो थोड़ा negative हो जाता है, उसको लगता है कि बस जब मैं मर जाऊँगा, तभी मेरी problems जो हैं, वो solve होंगी. I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. आउट ऑफ माई पेन मेरा ये जो कॉन्स्टेंट पेन है इसको ख़त्म करना है द नेक्स्ट डे द पोएट थिंग्स दैट वेन ही इज रियलिस्टिक देन ही एक्सपेक्ट्स द रिच टू विजिट एंड हेल्प दैम गेट रेड ऑफ देयर प्रॉब्लम इन वन गो पर विद डेथ यहाँ पर देखो द पोएम इज एंडिंग विद अ नेगेटिव नोट